सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों यहां पे देखिए, हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के गणित विषय को पूरा बहुत अच्छे ढंग से कम समय में मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए, ये आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पवन सीरीज है, नया संस्करण 2024 का। अब इसके प्रश्नों को मैं आपको करा रहा हूं और बहुविकल्पीय और अतिलघुत्तरीय के 48 प्रश्न इतना मैं करा चुका हूं। और इससे पहले पवन सीरीज से पहले राजन सीरीज हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं, तो राजन सीरीज भी आप पढ़ लीजिए। राजन सीरीज का भी लिंक जो है वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। राजन सीरीज के सभी बहुविकल्पीय, सभी अतिलघुत्तरीय, सभी लघुत्तरीय, सारा मतलब पूरा सीरीज में सॉल्व करा चुका हूं एक एक प्रश्न। तो आपको समय नहीं लगना है, जितना समय क्लास को देखने में लगना है वही समय आपका प्रैक्टिस में भी लगना है। ठीक, अलग से आपको टाइम नहीं निकालना है, कॉपी पेन लेकर के बैठना है और वीडियो को आपको चला लेना होगा और एक एक प्रश्न पे आप जाओगे, एक एक प्रश्न को देखोगे और उसके बाद प्रश्न के साथ साथ सॉल्व करते रहोगे, आंसर देखोगे और अगले प्रश्न पे बढ़ोगे। इस तरीके से आपका कम समय में तैयारी हो जाएगा और कंफर्म आपको चीजें सोल्यूशन भी पता चल जाएगा जहां आप अटकोगे। ठीक, तो इस तरीके से आपकी बहुत बेहतर ढंग से तैयारी होने वाली है राजन सीरीज और पवन सीरीज की मदद से। इसी तरीके से मैंने आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, पिछले साल आपके पेपर्स जो हुए हैं अभी तक डीएलएड के या बीटीसी के, सभी 2016 से लेकर के ही मैं सॉल्व कराते आ रहा हूं और जो पेपर नहीं हुआ है वो जल्द से जल्द मैं आपको सॉल्व भी करा दूंगा। ठीक, तो नीचे जो मैथ के आगे का लिंक दिया है उसको क्लिक करेंगे, मैथ के साथ सभी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी तरीके से फर्स्ट सेमेस्टर के सभी विषय आपको पढ़ाए गए हैं, सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सभी विषयों को पढ़िए। कंप्यूटर मैंने खुद पढ़ाया है। ठीक, तो इस तरीके से जहां कहीं भी अगर कोई दिक्कत आती है आपको, तो कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है और कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कहीं पे भी आप अपनी बातों को रख सकते हैं जो भी दिक्कत आए। ठीक, और इंगेज रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। इस क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इस क्लास में। ठीक है, तो लाइक शेयर वाला काम आप लोग करते रहा करिए, इसके लिए कहने की आवश्यकता ना पड़े। देखिए, महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं? महत्तम का मतलब क्या होता है? महत्तम का मतलब होता है बड़े से बड़ा, सबसे बड़ा। और समापवर्तक किन चीजों से बना है? अपवर्तक और समान अपवर्तक। अब अपवर्तक क्या होते हैं? अपवर्तक आपके डिवीजर होते हैं, जो विभाजक होते हैं। ठीक, तो जो दी गई संख्याओं में समान विभाजक होते हैं, डिवीजर होते हैं, उसी को हम समापवर्तक कहते हैं। और महत्तम समापवर्तक जो समापवर्तक आएंगे, जो कॉमन समापवर्तक, जो समान समापवर्तक होंगे, उनमें जो सबसे बड़ा होगा वही आपका महत्तम समापवर्तक होगा। देखिए, महत्तम समापवर्तक दी गई संख्याओं का सबसे बड़ा सार्वविभाजक है। ठीक, अब जैसे एग्जाम्पल यहां पे समझिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, 12 है, 48 है और 64 है। अब इनके विभाजकों को लिखिए, इनके अपवर्तकों को आप लिखेंगे तो ये 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है और खुद 12 से कटता है। 48 के बारे में लिखेंगे, 48 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा, 24 से कटेगा और खुद 48 से कटेगा। अब इसके बाद 64 को देखिए, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 16 से कटेगा और 48 भी क्या है आपका, 48 भी 16 से कटता है, तो यहाँ 16 भी बढ़ा लीजिएगा इसमें 16। इसके बाद देखिए, ये 24 से, 24 से नहीं कटेगा, उसके बाद ये किससे कटेगा, 32 से कटेगा और खुद 64 से कटेगा। ठीक, तो यहाँ पे 12, 48 और 64 के अपवर्तक हमने लिख लिए,
अब समापवर्तक क्या हो जाएंगे, 12, 48 और 64 के समापवर्तक जो समान अपवर्तक होंगे, जो सभी में होगा। जैसे दो जो है वह ये हर जगह है, इसी तरीके से चार को आप देखेंगे, चार जो है हर जगह है और छह नहीं है। और इसके बाद ये देखिए 48 आपका दो के बाद तीन से भी एक करता, ठीक है, तो लेकिन यहाँ तीन नहीं है, 64 हुए, ठीक है। यहाँ आप तीन लिख सकते हैं, यहाँ तीन भी आएगा, ठीक, 48 के अपवर्तकों में। अब देखिए चार सभी जगह है, इसके बाद आठ देखेंगे तो आठ सभी जगह नहीं है, छह सभी जगह नहीं है, और ये आपको समापवर्तक मिल जाएंगे, ठीक। समापवर्तक क्या हो जाएंगी, यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें 12, 48 और 64 के समापवर्तक क्या हो जाएंगे, दो और चार, ये दो और चार जो हो जाएंगे ये 12, 48 और 64 के समापवर्तक हो जाएंगे। और चार क्या हो जाएगा, चार देखिए यहाँ इन दो समापवर्तकों में जो भी समापवर्तक हमके मिले उसमें सबसे बड़ा क्या है, ये हमारा चार है, तो महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, चार, यानी कि 12, 48 और 64 का महत्तम समापवर्तक जो हो जाएगा वह हो जाएगा चार, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 12 को भी विभाजित करें, 48 को भी और 64 को भी, वह क्या होगी, चार, ठीक। अब देखिए हमेशा जो आएगा वो इस 12 से छोटा आएगा, ठीक, क्योंकि 12 के बराबर या 12 से छोटा। अब देखिए 12 से तो सभी संख्याएं कट नहीं रही हैं, तो नहीं तो 12 खुद हो जाता है, ठीक। इसके बाद 12 किससे कट रहा है, 6 से कट रहा है, 6 होगा नहीं, 64 नहीं कट रहा है, 4 जो है सभी को काट रहा है, तो इसलिए 4 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से महत्तम समापवर्तक आप समझ गए क्या होता है, जो दी गई संख्याएं हैं उनमें सभी संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करने वाला और बड़े से बड़ा संख्या जो होगा वह आपका महत्तम समापवर्तक होगा। इसके बाद देखेंगे तो संख्या 50 है, समापवर्त्य क्या है, ठीक, वहां पे अपवर्तक था, यहाँ पे अपवर्त्य है। अपवर्त्य का क्या मतलब होता है, जो भी दी गई संख्याओं का गुणज, मल्टीपल, तो संख्याओं के समान अपवर्तियों को समापवर्त्य कहते हैं। जैसे दो का गुणज क्या होता है, दो, चार, छ, आठ, दस, ये क्या है, दो से दो में प्राकृतिक संख्या का गुणा कर दीजिए तो आपको अपवर्त्य मिल गया। इसी तरीके से चार में देखेंगे तो चार का, चार, आठ, बारह, सोलह, बीस, ठीक। अब समापवर्त्य अगर आप देखेंगे दो और चार का, तो ये देखिए चार, फिर आठ, इसी तरीके से यहाँ बारह, ये क्या हो जाएंगे, दो और चार के समापवर्त्य हो जाएंगे। दो और चार का समापवर्त्य आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, चार, आठ, बारह, सोलह, इस तरीके से ये समापवर्त्य हो जाएंगे। और इसी में देखा जाता है लघुत्तम समापवर्त, यानी कि सबसे छोटा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM, तो ये आ जाएगा चार, ठीक, चार सबसे छोटा समापवर्त्य है, तो इसलिए ये लघुत्तम समापवर्त्य कहलाएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये समझ गए आप। इसके बाद हम लोग देखेंगे संख्या 51 है, देखिए आ ही गया, लघुत्तम समापवर्त्य किसे कहते हैं, तो आप समझ गए कि संख्याओं के समापवर्तियों में से सबसे छोटा समापवर्त ही उसका लघुत्तम समापवर्त्य लासा या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। अभी एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया, तो ये प्रश्न भी आप समझ गए। अब इसको सॉल्व भी करना अभी आगे हम प्रश्नों में देखेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 52 है, निम्न संख्याओं का भाग विधि से लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। भाग विधि से लघुत्तम समापवर्त्य निकालना, देखिए बिल्कुल प्रैक्टिस आ ही गया आपका। अब यहाँ पे लासा निकालने की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आपको निकालना है, ठीक। अब देखिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या हो जाएगा, जो दी गई संख्याएं हैं इनसे विभाजित होने वाली, इन सभी से विभाजित होने वाली सबसे छोटी से छोटी संख्या। अब देखिए दो से भाग जा रहा है तो करेंगे तो ये हो जाएगा सात, ये हो जाएगा चौदह, 35 में नहीं जा रहा है तो 35 को ऐसे लिख लीजिए,
ठीक। अब 56 में जा रहा है तो हो जाएगा 2 और 8 28, फिर 2 से भाग जा रहा है तो करिए ये हो जाएगा 7, ये भी हो जाएगा 7, ये 35 और ये 14। अभी भी 2 से जा रहा है तो भाग करते रहिए, देखिए 7, ये देखिए 7, ये हो गया 35 और ये हो गया आपका 7। इसके बाद देखिए, इसके बाद 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं, 5 से जाएगा, तो 5 से भाग कर लीजिए, ये हो गया आपका 7, ये 7 और ये 7, 25 35 तो 7 हो जाएगा और ये 7। अब इसके बाद देखिए फिर 7 से भाग करेंगे तो सब एक आ जाएगा, सब एक आ गया। अब जहां पे सब एक आ गया वहीं पे आप लिख दीजिए लासा बराबर, लघुत्तम समापवर्ती बराबर, जिन संख्याओं से आप भाग दे करके एक लेकर के आए हैं उन्हीं का गुणा कर लीजिए। देखिए 2 3 बार है, 5 और 7 फिर है, तो 2 का 3 बार गुणा और गुणे 5 और गुणे 7, ये कितना हो जाएगा, 2 का 3 बार गुणा 8 गुणे 5 गुणे 7 और 8 पच्चे 40 और गुणे 7, 7 चौक 28 और 0, ये कितना आ जाएगा, 280 आ जाएगा, 280। ठीक, तो इस तरीके से वह छोटी से छोटी संख्या जो 14 28 35 और 56 सभी से कटेगी, डिवाइड होगी पूरी पूरी, वह होगी 280। देखिए कटने को तो 560 भी कटेगा, ठीक, लेकिन ये लघुत्तम समापवर्त्य नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये इससे छोटी संख्या जो है वह हमारे पास है 280। ठीक, तो इस तरीके से ये आप समझ गए कि इसका लासा कैसे निकालते हैं, भाग विधि से। ठीक, तो ये हमने भाग भी दिया और उसके बाद हमने गुणे में लिख लिया। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 53 है, दो अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा, तो दो अभाज्य संख्याओं का मासा एक होगा, क्यों, दो अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब कि जैसे कि आपका क्या है, आपका 3 है और 7 है, अब 3 को अगर लिखना चाहें तो 3 को लिखेंगे 1 गुणे 3 और 7 को कितना लिखेंगे, 1 गुणे 7। ठीक, या 3 के आप विभाजक लिखोगे तो 1 और 3 होगा, 7 के विभाजक 1 और 7 होगा, और किसी संख्या से ये नहीं कटता है, तो कोई भी कॉमन आपको संख्या मिलेगी ही नहीं जिनसे ये दोनों संख्याएं जो है वह कटती हो एक के अलावा, तो यही एक जो हो जाएगा आपका यही महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये समझ गए आप। अभी भी कोई डाउट हो, देखिए अपवर्तक क्या होता है, डिवीजर होता है, और समापवर्तक क्या होता है, जो दी गई संख्याएं होती हैं उनमें कॉमन डिवीजर, कॉमन विभाजक। तो अब 3 पूरा पूरा किससे कटेगा, 1 से और 3 से, 1 से और 3 से, 7 किससे किससे कटेगा, 1 और 7 से। अब इसके हमने यहाँ पे विभाजक लिख दिए, दोनों में कॉमन क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये समापवर्तक हो जाएगा 1 3 और 7 का। और अगर देखा जाए कि महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो एक एक केवल एकमात्र समापवर्तक है, तो यही महत्तम समापवर्तक भी हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रश्न आप समझ गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 54 है, दो क्रमागत सम संख्याओं का मासा क्या होगा, दो क्रमागत सम संख्याओं का मासा 2 होगा, कैसे, जैसे एक संख्या 4 है एक संख्या 6 है, अब 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, अब इसका मासा लिखना होगा, तो दोनों जगह कोई कॉमन हमको देखना होता है कि क्या कॉमन है, तो यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है, इसके अलावा कुछ नहीं कॉमन है, तो मासा क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 55 है, किन्हीं दो सम संख्याओं का मासा सम होगा या विषम, जब सम संख्याएं जो हैं वह सम हैं, जब संख्याएं सम हैं तो उनका मासा भी क्या होगा, सम होगा। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रश्न समझ गए आप। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 56 है, एक सम और एक विषम संख्या का मासा सम होगा या विषम, तो विषम संख्या जब आ गई तो वह विषम संख्या लेकर के आएगी, चाहे एक ही बार एक ही संख्या विषम हो, तो ये आपका जो विषम होगा, जो मासा होगा,
ये विषम होगा। ठीक, तो इस तरीके से ये समझ गए आप। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 57 है, यहाँ पे 5, 8 और 12 के समापवर्तक आपसे पूछा है, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है, 5 नहीं रहेगा यहाँ पे, ये 5 को हटा दीजिएगा आप, यहाँ पे ये 5 नहीं रहेगा। अब इसके बाद सॉल्व करिएगा, 8, 12 के समापवर्तक बताइए, क्योंकि 5 जो है वह आपका अभाज्य संख्या है। ठीक, तो उसको हमने हटा दिया क्योंकि समापवर्तक फिर मिलेंगे नहीं, फिर कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए ये आपका 8 और 12 के आप समापवर्तक, पहले अपवर्तकों को लिखिए, अपवर्तक क्या है, अपवर्तक आपका देखिए 8 किन किन संख्याओं से कटता है, इधर लिखिए संख्या, इधर लिखेंगे आप अपवर्तक, अपवर्तक 8 के क्या होंगे, एक तो एक सब में होता है, तो 1 फिर 2 फिर 4 फिर खुद 8, 12 को लिखिए तो 1, 2, 3, 4 और उसके बाद 6 फिर 12। ठीक, अब समापवर्तक लिख दीजिए, समापवर्तक, समापवर्तक में क्या हो जाएगा, जो सब में आया हो, दोनों में आया हो, तो एक तो एक हो जाएगा आपका, एक उसके बाद 2 उसके बाद 4, ठीक ये हो गया आपका। ठीक, तो ये हो जाएंगे 8 और 12 के समापवर्तक। ठीक है, एक को जनरली छोड़ के ही लिखा जाता है क्योंकि एक सभी संख्याओं का अपवर्तक होता है, तो चाहे तो आप एक यहां नहीं लिखेंगे तो भी ये सही होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एक नहीं लिखोगे तो भी सही होगा इस तरीके से। ठीक, तो इस तरीके से ये 8 और 12 के समापवर्तक क्या हो गए, 2 और 4। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 58 है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नांकित संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा इन दोनों संख्याओं का मासा और इन तीनों संख्याओं का मासा निकालना है। तो पहला पहले देखते हैं 144 और 198 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखते हैं, देखिए 144 है तो अब इसको डिवाइड करने का प्रयास करिए। देखिए 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 7 और 2 72, फिर 2 से आप काटिए तो हो जाएगा 3 और फिर 6 36, फिर 2 से काटिए 18, फिर 2 से काटिए तो हो जाएगा 9, फिर 9 को काटिए, 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटिए, 3 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से 144 को यही लिखा जा सकता है, कितना 2 × 2 × 2 × 4 × 2 फिर 2 × 3 ये हो जाएगा आपका 144। और 198 को कितना लिखा जा सकता है, इसी तरीके से भाग दे करके 198 को कितना लिखा जा सकता है, देखिए 100 इनका गुणा करेंगे तो भी 144 आएगा। ठीक, तो अब इसी तरीके से 198 को कितना लिखा जा सकता है ये निकाल लीजिए। ये निकालने के लिए देखिए भाग करेंगे, 198 है, अब भाग करिए, 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 18 में भाग जाएगा तो 9 और 1 बचा है फिर 9, 99 आ जाएगा। अब 99 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से भाग दीजिए, ये हो जाएगा 33, फिर 3 से भाग करेंगे 11 हो जाएगा, फिर 11 से भाग करेंगे 1 हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि 198 कितना लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3 × 11। ठीक, तब जब हमको मासा लिखना होता है तो हम देखते हैं कि कौन से गुणनखंड दोनों जगह है, जैसे 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे भी है तो 2 लिख देंगे। अब देखिए इसके बाद 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है तो 3 × 3 लिख देंगे, फिर 3 यहाँ पे है, फिर यहाँ पे 3 है तो एक बार और 3 आ जाएगा। और इसके बाद देखिए और कोई संख्या ऐसी नहीं मिल रही है जो दोनों जगह आई हो। ठीक, तो अब इनका गुणा कर लीजिए, यही आपका मासा हो जाएगा। तो 3 × 3 = 9 और 9 × 2 = 18 जो हो जाएगा वह 144 और 198 का मासा हो जाएगा, यानी कि 18 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 144 और 198 को दोनों को पूरा पूरा विभाजित करेगी। अब इसके बाद दूसरा सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे दूसरे को देखिए क्या लिख सकते हैं,
13 देखिए अभाज्य संख्या है तो 13 को 1 × 13 लिख सकते हैं। इसके अलावा इसको नहीं कुछ लिखा जा सकता है। देखिए 39 है, 39 को 3 × 13 लिखा जा सकता है। और 273 को कितना लिखा जा सकता है, 273 को आप भाग विधि से निकाल लीजिए। देखिए ये आपका 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो ये जगह 9 और 1 91। अब इसके बाद देखिए 91 किससे कटेगा, 91 अब 7 से कटेगा, 7 से काट दीजिए तो ये 1 और 2 बचा 21 तीन बार। फिर 13 से काट दीजिए और किसी से कटेगा नहीं 13, तो ये हो जाएगा आपका 273 को आप लिख सकते हैं 3 × 7 × 13। अब मासा लिखिए, कौन सी ऐसी संख्या है जो हर जगह आ रही है, तो आपको मिलेगा 13 जो है हर जगह आ रहा है, और इसके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है, कोई गुणनखंड नहीं है जो सभी जगह आ रहा हो, तो आपका मासा कितना हो जाएगा 13। ठीक, तो इस तरीके से दोनों ही संख्याओं, दोनों ही प्रश्नों का यहाँ पे हम निकाल लिया, दोनों का ही मासा निकाल लिया, यानी कि 13 वह बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी जिससे ये तीनों संख्याएं विभाजित होंगी। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात समझ लीजिए कि ये जो 13 है ये आपकी इन तीनों में सबसे छोटी संख्या है, और इस 13 से 39 भी कट रहा है, 273 भी कट रहा है, तो ये देखते ही आप बता सकते हैं। कोई भी अगर आपको 3-4 संख्याएं दी गई हैं या 2 संख्याएं दी गई हैं और आपसे मासा पूछ रहा है और सबसे छोटी संख्या जो है वह बाकी बची संख्याओं को पूरा पूरा अगर विभाजित कर दे रही है तो यही आपका मासा हो जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 59 है, 100, 98, 77 का लासा ज्ञात कीजिए। लासा ज्ञात करने के लिए अब देखिए भाग विधि से ज्ञात कर लेते हैं, आसान रहेगा। 100, 98 और 77 का लासा ज्ञात करना है तो भाग कीजिए 2 से, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 4 और 9 49, ये 77 और ये 50 हो गया, अभी 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 77। फिर 3 से देखिए, 3 से क्या कटेगा, 25 जो है वह नहीं कटेगा, 49 क्या कटेगा, 49 भी नहीं कटेगा, 77 क्या कटेगा 3 से, 3 से नहीं कटेगा। तो अब 5 से काटेंगे, 25 कट रहा है 5 से, तो ये 5 और ये 49 और ये 77। फिर 5 से काटेंगे, ये 1 हो गया, ये 49 है, ये 77। अब देखिए 49 7 से कटेगा और 77 भी तो काटिए, तो ये 1 और 7 × 7 49 और ये 11। फिर 7 से काटेंगे तो ये 1, ये 1 और ये 11। अब 11 को ही काटना है तो 11 से काट दीजिए, एक बार में कट जाएगा। इस तरीके से सब 1 आ गए और लासा लिख लीजिए, लासा कितना हो जाएगा, लासा बराबर कितनी है संख्याएं, 2 × 2 × 5 × 5 × 7 × 7 × 11। अब गुणा कर लीजिए, 2 × 2 = 4 5 × 5 = 25 7 × 7 = 11। अब गुणा करिए, 4 का गुणा 25 में होगा तो हो जाएगा 100 और ये 49 × 11 और गुणा करेंगे तो हो जाएगा 49 100 × 11। अब 11 का गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 11 × 9 = 99, हासिल लगा 9 × 11 = 44 और 9 = 53। इसका मासा आ रहा है 53,900। ठीक है, मासा क्या हो जाएगा 53,900। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 60 है, निम्नांकित संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। पहला है 5, 10, 15, तो भाग विधि से ज्ञात कर लीजिए 5, 10, 15 में देखिए 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 15। फिर अब 2 से भाग जाएगा नहीं, अब 3 से भाग कर लीजिए, 3 से भाग करेंगे तो 5, ये 5 और ये भी 5 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो सभी 1 हो जाएंगे, सभी 1 हो गए। अब लासा बराबर क्या हो जाएगा आपका, 2 × 3 × 5। गुणा कर लीजिए कितना आ जाएगा, 2 × 3 = 6 6 × 5 = 30। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 5, 10 और 15 से कटेगी वह कितनी होगी, 30 होगी। इसके बाद देखिए 16, 44 और 64 का लासा ज्ञात करना है। अब देखिए 2 से भाग करिए तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 3 और 2 = 32। फिर 2 से भाग करिए तो 4, ये 11 और ये 1 और 6 = 16। फिर 2 से भाग करेंगे
दो 11 और ये 16 8 हो जाएगा, फिर दो से भाग करेंगे ये 1 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, फिर दो से भाग करेंगे तो ये 1 11 और 2, फिर दो से भाग करेंगे तो ये 1 11 और 1, फिर 11 से भाग होगा तो सभी 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब इसके बाद लासा लिख लीजिए, लासा बराबर क्या हो जाएगा, लासा बराबर इसी के नीचे लिखेंगे, दो का कितनी बार गुणा, दो दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16 दुनी 32 दुनी 64, 64 गुणे 11। अब 11 का गुणा कर लीजिए, 11 चौक 44, 7 से लगा 4, 11 चौक 66 और 4 70, 704 कितना आ रहा है, 704। तो इस तरीके से इन तीनों संख्याओं का लासा कितना हो जाएगा, 704। वह छोटी से छोटी संख्या जो 16 44 और 64 से पूरा पूरा विभाजित होगी वह होगी 704। और ये 30 अपने निकाल ही लिया था तो दोनों उत्तर मिला लीजिए, सही आया होगा आपका। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 61 है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20 25 और 30 और 40 से पूर्णतया विभाजित हो, 20 25 30 और 40 से। देखिए संख्याएं हैं 20 25 30 और 40 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या, जब छोटी से छोटी संख्या इसका मतलब है लघुत्तम, यानी कि आप लासा निकालोगे, ठीक, का लासा आपको निकालना पड़ेगा। तो आपको मिल जाएगी वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी संख्याओं से विभाजित होती है, ठीक है। तो लासा आप समझते ही हैं, लासा हम कब निकालते हैं, जब दी गई संख्याओं से हमको निकालना हो कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित होती हो। तो यहाँ पे लासा निकालेंगे, जाहिर सी बात है दो से भाग करिए तो 10 और ये 25 का 25 ही रहेगा और ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20, अभी भी दो से कट रहा है तो ये 5 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, अभी भी दो से कट रहा है तो ये 5 25 15 और ये 5। अब इसके बाद देखिए 3 से कट रहा है, 3 से काटिए तो ये 5 25 और ये भी 5 और ये भी 5, ठीक। जो नहीं कटता है उसको ऐसे एटीजी लिख लेते हैं। इसके बाद देखिए 5 से काटेंगे तो ये 1 ये 5 ये 1 और ये भी 1, फिर 5 से काटेंगे तो जो बचा हुआ 5 है वो भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे सारे 1 हो गए। अब इसके बाद हमारा लासा बराबर हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए 2 है, ठीक। तो ये अब लासा जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ये हो जाएगा 2 का 3 बार गुणा 8 गुणे 3 और 5 पच्चे 25, ये कितना हो जाएगा, 8 का गुणा 25 में होगा तो 200 और 200 गुणे 3 यानी कि 600, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 20 25 30 और 40 सभी से कटेगी वह कितनी होगी, 600 होगी, ठीक। तो इस तरीके से ये प्रश्न समझ गए आप, यहाँ पे लासा की मदद से आपने एक प्रश्न जो थ्योरेटिकल आपको दिया था, आपको लिखा नहीं था कि लासा ही निकालना है, क्यों पता चल रहा है आपको लासा ही निकालना है, क्योंकि लिखा है छोटी से छोटी संख्या और वो संख्या निकालने को बोला है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो, ठीक। तो ऐसी संख्या क्या होती है, लघुत्तम समापवर्त्य होती है आपकी, ठीक। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा लासा, 600 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 62, यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 62 कह रहा है 3/5 को प्रतिशत में बदलिए। अब 3/5 को अगर आपको प्रतिशत में बदलना है, किसी भी संख्या भिन्न को जब प्रतिशत में बदलना होता है तो 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत चिन्ह लगा देते हैं, ठीक। अब देखिए 100 से गुणा हुआ और प्रतिशत चिन्ह लग गया। अब इसके बाद देखिए 5 से, 5 हर में है 100 अंश में है, काटेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा और ये आ जाएगा कितना, 60%, ठीक। 3 का गुणा 20 में होगा, ये हो जाएगा 60% इसका उत्तर आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 63 है, 20% को भिन्न में बदलिए। अब 20% को जब भिन्न में बदलना है तो प्रतिशत चिन्ह को हटाना पड़ेगा, प्रतिशत चिन्ह जहां पे हटाते हैं वहां 1/100 से गुणा करते हैं, या समझ लीजिए आप 100 से भाग कर देंगे, 20 में 100 से भाग कर देंगे,
शून्य से शून्य कट जाएगा और दो से दस कटेगा पांच बार में, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, एक बटे पांच, भिन्न के रूप में कितना आ जाएगा, एक बटे पांच। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 64 है, 35% को भिन्न में बदलिए। तो फिर से वही करना है, 35% को भिन्न में बदलने के लिए इसमें 100 से सीधा सीधा भाग कर दीजिए या गुणा 1/100 कर दीजिए। 35% लिखा था, अब इसको 100 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, 5 से काटिए तो ये 20 बार में कटेगा और ये कितनी बार में कट जाएगा, ये 7 बार में, ये 7/20 इसका मान आ जाएगा, ठीक। तो ये भिन्न रूप में कितना हो जाएगा, 35% 7/20 हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद प्रश्न संख्या 65 है, 0.06% को प्रतिशत में बदलिए। अब ये प्रतिशत को प्रतिशत में बदलने को कह रहा है, लेकिन ये प्रश्न जो है वह गलत प्रिंट है, यहाँ प्रतिशत चिन्ह नहीं होगा, ठीक। ये क्या कह रहा है कि 0.06 को प्रतिशत में बदलिए, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत चिन्ह लगा देंगे। 100 से गुणा किया तो कितना आ गया, ये आपका आ जाएगा 6 और प्रतिशत वैल्यू कितनी आ गई, 6%। 0.06 को हम प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 6%। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 66 है, कितना होगा, यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिया गया है, तीन प्रश्न दिए गए हैं, पूछ रहा है कितना होगा, 250 का 30%, 250 का मतलब गुणा 30%, प्रतिशत चिन्ह हटाइए क्योंकि हमको मान निकालना है। तो 1/100 से गुणा, शून्य से शून्य कटा, शून्य से शून्य कटा, 25 का गुणा 3 में, ये हो जाएगा 25 × 75, वैल्यू कितनी आ गई, 75, ठीक। तो 250 का 30% कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 300 का 40%, तो 300 × 40 और भागा 100, यही हो जाएगा, शून्य से शून्य कट जाएंगे और ये 3 का गुणा 40 में हो जाएगा 120 आ जाएगा ये, ठीक। तो इस तरीके से ये आपका 300 का जो 40% होगा वह 120 आ जाएगा और 120 किलोग्राम का 45%, 120 किलोग्राम का 45% कितना आ जाएगा, निकाल लीजिए, शून्य से शून्य कट जाएगा और 10 को काटिए 5 से 2 बार में और ये 9 बार, फिर 2 से 12 को काटेंगे 6 बार में कट जाएगा और 9 × 54 वैल्यू कितनी आ जाएगी, 54 kg, इसको आप किलोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। 120 किलोग्राम का 45% जो होगा वह कितना होगा, वह होगा 54 किलोग्राम। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 67 है, एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए, यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हो तो कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए, ठीक। बता दिया है कि 1500 में से 1500 के 75% बच्चे जो हैं वह उत्तीर्ण हैं, तो उत्तीर्ण बच्चों की संख्या हो जाएगी 1500 का 75%, 1500 का 75%, तो 1500 का मतलब गुणा हो जाएगा 75%, यानी कि ये हो जाएगा 75 × 1/100, प्रतिशत चिन्ह हटा देंगे तो शून्य से शून्य कट जाएगा, उसके बाद गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 15 × 75, वैसे भी होता है 5, हासिल लगेगा 7 और 15 × 70, ये आपका हो जाएगा 105 और 105 में आप 7 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 105 में 7 आप जोड़ देंगे तो 112, तो ये आ जाएगा आपका 1125 बच्चे जो हैं वह उत्तीर्ण हुए हैं परीक्षा में, 1125 बच्चे 1500 में उत्तीर्ण हो गए हैं, 1125 बच्चे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 68 है, विवेक ने वार्षिक परीक्षा में 85% अंक प्राप्त किए, यदि पूर्णांक 500 तो विवेक को कितने अंक मिले, 500 का 85% अंक जो है वह विवेक को मिला है, ठीक। तो प्राप्त अंक क्या हो जाएगा, 500 का 85%, यानी कि 500 × 85
परसेंट, और परसेंट अगर हटाएंगे तो गुणा कर सकते हैं 1/100 से, तो शून्य से शून्य काट दीजिए, 5 का गुणा हो जाएगा 85 में, तो 5 25 हाथ से लगा 2, 5 8 40, 2 42, 425 नंबर जो है यह मिले हैं 500 में, तो ये कितना हो जाएगा आपका 85% हो जाएगा। 425 नंबर विवेक को मिले होंगे तब उसने 500 में 85% अंक जो है वह हासिल किए हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 69 है, मार्च में डीजल का मूल्य ₹85 प्रति लीटर था, अब मई में उसका मूल्य बढ़कर के 93.50 यानी कि 93.5 रुपए प्रति लीटर हो गया है, डीजल के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? मार्च में मूल्य था ₹85 और अब मई में उसका मूल्य जो हो गया है वह 93.50 हो गया है। ठीक, तो पहले निकाल लीजिए कि डीजल के मूल्य में वृद्धि, डीजल के मूल्य में वृद्धि निकालने के लिए क्या लिखेंगे, वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य कितना है 93.50 और पहले का मूल्य कितना था 85 रुपए, तो 85 में से घटा दीजिए तो ये आपको मिल जाएगा 8.50, मतलब 8.5 रुपए बढ़ गए हैं। अब इसके बाद डीजल के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो वृद्धि हुई है उसको कंपेयर करेंगे पहले के मूल्य से। ठीक, तो पहले का मूल्य था 85 और वृद्धि कितनी हुई है 8.5 की। ठीक, और प्रतिशत निकालना है इसका, तो 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत चिन्ह लगा देंगे। ठीक, ये समझ गए आप कि प्रतिशत वृद्धि, पहले हमने वृद्धि निकाल लिया 8.5 रुपए, अब प्रतिशत वृद्धि जब हमको निकालना है तो प्रतिशत वृद्धि से किसी को कंपेयर करेंगे, प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए पहले का जो था उससे कंपेयर करना होगा, तो उसको हर में रखेंगे, जितनी वृद्धि हुई है उसको अंश में रखेंगे, गुणे 100 और प्रतिशत चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो गुणे 100 और प्रतिशत चिन्ह। अब 100 का गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 850/85। अब देखिए 85 दाहियम 850 होता है, 10 बार में कट जाएगा और प्रतिशत चिन्ह लग गया है, तो ये हो जाएगा 10%, यानी कि डीजल के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 70, 750 के 4% का मान ज्ञात कीजिए, 750 का 4% निकालना है आपको, तो 750 गुणे 4 गुणे 1/100, शून्य से शून्य काट लीजिए और इसके बाद 75 को काटेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 1 और 5 15 और ये हो जाएगा 2, फिर 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में कट जाएगा और 15 × 2 = 30, वैल्यू कितना आ गया 30 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आप समझ पा रहे हैं कि 1% होगा वह 7.5 होगा और 4% कितना हो जाएगा 7.5 × 4, यानी कि दूने का दूना 7.5 × 15 और 15 × 30, बिल्कुल सही हमने कैलकुलेट किया है, इसका जो मान आ जाएगा वह 30 आ जाएगा, 750 का 4% जो होगा वह 30 होगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्या 71 है, किसी राशि का एक निश्चित प्रतिशत कैसे निकालते हैं, किसी राशि का मान लेते कोई राशि x है, माना राशि x का a प्रतिशत निकालना है तो कैसे निकालेंगे, x का a प्रतिशत बराबर हो जाता है x गुणे a, और प्रतिशत का मतलब हो गया इसमें 100 से भाग कर दीजिए। ठीक है, प्रतिशत चिन्ह हटाने का मतलब हो गया 100 से भाग कर दीजिए, तो x गुणे a 100 यही हो जाएगा इसका प्रतिशत निकालना, किसी भी राशि का एक निश्चित a प्रतिशत निकालना, किसी राशि x का एक निश्चित a प्रतिशत निकालना x गुणे a 100। इसको चेक भी आप कर सकते हैं, जैसे 500 का 10% अगर निकालना है तो ये हो जाएगा 500 × 10 और 100, शून्य शून्य कट गया
50, 500 का 10% कितना होता है, 50 होता है, तो ये आपको उत्तर मिल गया। तो इस तरीके से यही बस आपको लिख देना था, ये आपको यहाँ पे पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 72 है, 10.97 तथा 12.12 को जोड़ें, 10.97 और 12.12, 7 और 2 9 और 9 1 10 के शून्य, हाथ से लगा 1, 1 और 2 3 और 1 1 2 23.09, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 73 है, 3x² - 4xy + 12xy - 6xz में सजातीय पद कौन कौन है। तो 3x² - 4x + 12xy, यहाँ पे -4xy है +12xy - 6xz, ठीक, इसमें सजातीय पद कौन है। सजातीय पद कौन होते हैं जिसका जो चर वाला पार्ट होता है वह समान है। यहाँ पे देखिए चर वाला पार्ट क्या है, x² और कहीं पे है नहीं है, और यहाँ पे देखिए -4xy में xy यहाँ पे है, और यहाँ +12xy में भी चर पार्ट xy जो है समान है। तो -4xy और 12xy यहाँ पे सजातीय पद हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ये सजातीय पद है -4xy और 12xy। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 64 है, 2x² + 5x + y² - y 6 में सजातीय पदों को एक साथ लेते हुए व्यंजक को सरल कीजिए। तो सरल तो हमेशा ऐसे ही किया जाता है कि हम सजातीय पदों को जोड़ घटा लेते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका, लिख लीजिए कितना हो जाएगा सजातीय पद, यहाँ पे देखिए 2x² का और कोई पद नहीं है, -5y और -y, अब 5y में से 1y घट जाएगा तो बचेगा कितना 4y, और ये हो गया आपका y² + 6, ठीक। इसको अब लिख दीजिए, जो घात 2 है उसको और आगे ले आइए, यही आपका सरलतम रूप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दो ही सजातीय पद थे जो आपस में घट गए, ठीक। तो इस तरीके से ये मान हो जाएगा इसका। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 75 है, निम्नांकित व्यंजकों में पदों की संख्या है, अब देखिए 5y, अब 5 × y ये लिखा है, ठीक, कहीं इसमें जोड़ घटाना है। जब पद अलग होते हैं किससे, जैसे कहीं पे लिखा है 2x² + 5y + 7x + 2, ये किससे अलग हो रहा है, धन के चिन्ह से, धन के चिन्ह से ये अलग पद है, ये अलग पद है, ये अलग पद है, ये अलग पद है, ठीक। यहाँ पे देखिए केवल बीच में गुणे का चिन्ह है, तो ये मात्र एक पद है, ठीक है। तो 5y एक पद है इसमें, ठीक है, एक पद है, और ये 72x और माइनस लगा और -7y है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, दो पद हैं, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ एक पद है, वहां पे दो पद हैं, पदों की संख्या आपने बता दिया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, देखिए प्रश्न संख्या 76 है, व्यंजकों x - y और x + y को जोड़िए, तो x - y और -x + y, देखिए बीच में धन का चिन्ह है, अब ब्रैकेट हटा दीजिए तो x - y, और ब्रैकेट हटाएंगे तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो एक्स एक्स जुड़ के 2x हो जाएगा, और -y और +y आपस में 0 हो जाएंगे, तो वैल्यू कितना आ गया 2x। तो इस तरीके से मान आपको मिल गया 2x, और यहां तक प्रश्न संख्या 76 तक आप सभी प्रश्नों को समझ गए होंगे उम्मीद है। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सभी प्रश्न यहाँ पे अगर आपको समझ में आ गए हैं तो यस लिख करके कमेंट करिए, ठीक है, आपको यस लिख करके कमेंट करना है, और जो भी आपके विचार हैं और किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो क्वेश्चन नंबर आप कमेंट करिए। इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना है आपको सभी ग्रुपों में, सभी दोस्तों में, और अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली आपके लिए ऐसे ही रोज शाम 6, 7 और 8 बजे आपको क्लासेस मिलती हैं चैनल पे टारगेट यूपीटेट सीटेट पे। नीचे चैनल आपको नाम और सब्सक्राइबर्स दिख रहे होंगे, वहां आप क्लिक करोगे
तो आपको क्या, आपको पूरा जो है होम पेज दिख जाएगा जिसपे आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी क्लासेस और थर्ड सेमेस्टर के क्लासेस दिख जाएंगे। वहां से आप सभी क्लासेस को पढ़िए। वहां पे आपको प्लेलिस्ट दिया गया है हर एक विषय का अलग, और प्लेलिस्ट में आपको उस विषय से जुड़ी हुई सभी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन में भी सभी प्लेलिस्ट का लिंक दिया है। तो मैथ की और क्लासेस करने के लिए मैथ के सामने का लिंक क्लिक करिए, कंप्यूटर की क्लास करना है कंप्यूटर के आगे क्लिक करिए, ठीक है। इसी तरीके से आप बने रहिए और अच्छे ढंग से पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का भी लिंक है, ऐप पे आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको सभी नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। राजन और पौन सीरीज का भी पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा। अब आगे का जो क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 77 से हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक ऐसे ही आप चैनल से पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।